इवनिंग, आज बहुत लेट हो चुका है क्योंकि आज का व्लॉग मैंने पोस्ट नहीं किया था और अभी मैं कुछ ही देर पहले बैठ के 2 घंटे लगे मुझे एक व्लॉग पोस्ट करने में क्योंकि कितने सारे लोग आए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लोग आए, फिर सोसाइटी से आए कुछ पेमेंट के लिए, वो सारे एक के बाद एक, फिर एक कुरियर से मतलब मिथुन का एक लेटर आया, तो वो सब एक के बाद एक आते गए और मैं डिस्ट्रैक्ट होती गई। उसके बाद मैंने ध्यान से और मैंने मतलब मन बना लिया था अभी बेल बजेगा जो भी हो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। उसके बाद मैंने पूरा नहीं, बेल भी नहीं बजा, पर उसके बाद मैंने पूरे ब्लॉग को कंप्लीट किया और आपके लिए वो मैंने पोस्ट किया है। तो अभी बनाऊंगी मैं शाम की चाय। मे बी शाम की चाय आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है पर मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ, तो इसलिए हर रोज मेरे ब्लॉग में मतलब इवनिंग के ब्लॉग में आप चाय को देखेंगे। हाँ, बाय द वे आजकल मैं पी रही हूँ ब्लैक टी, पर कभी कभार मतलब अगर मन करता है तो मैं मिल्क टी ले लेती हूँ, पर आज भी मैं पीने वाली हूँ ब्लैक टी, और जैसे के लिए होगा मिल्क टी। घर बैठे बैठे शॉपिंग करना किसे ना पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है। और अभी मैं फिलहाल शॉपिंग कर रही हूँ क्लब फैक्ट्री से, पर क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ वो मैं आपको पिक्चर भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो खुद पहन के मैं आपको बताऊंगी। तो जी हाँ, बहुत ही जल्दी शायद आने वाले है क्योंकि जबकि अभी तक नहीं आए, मतलब अभी तक मैंने शॉपिंग भी नहीं की, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जबकि शायद आने वाले बहुत ही जल्दी क्लब फैक्ट्री शॉपिंग हॉल। जैसे कि कमेंट करते हैं कि ये फ्री में मिला है, ये आप थोड़ी परचेस किया है, तो मैंने कब बोला कि मैंने ये परचेस किया है, वो तो फ्री में मिलता है, वरना मेरा क्या ज़रूरत है मैं अपने चैनल में किसी शॉपिंग ऑनलाइन के रिव्यू दूँ, कोई ज़रूरत है क्या? मुझे शॉपिंग हॉल वाला वीडियो करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक एक ड्रेस ऐसे पहन के बताना, पर लास्ट वीडियो में मैं वो कर नहीं पाई क्योंकि इतना ज़्यादा थे ना, और भी कई सारे बाकी है पर अभी कम बाकी है, तो आई होप कि वो मैं आपको पहन के बताऊँ क्योंकि ये जो यहाँ पे जो मॉडल्स हैं ना, तो ये लोग कैसे लगेंगे, तो इनका 0 फिगर है, इनको तो अच्छा लगेगा, पर मैं जबकि मैंने लिया है तो मैं अगर पहन के बताऊँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि हर कोई तो 0 फिगर का होता नहीं है, तो एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल लेडी जब ये पहनती है तब कैसा लगता है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे पहन के ही बताऊंगी। मिथुन जा रहे हैं गोवा। यस, मिथुन गोवा जा रहे हैं, पर हमें साथ नहीं लेके जा रहे क्योंकि ऑफिस ट्रिप है। तो अभी मेरा जो काम है वो है कि मिथुन के लिए वो सारे चीज़ें पैक करना, और उसके बाद कुछ कपड़े गीले भी है तो वो गीले कपड़ों को भी घर ला, हवा से ठंडा हो जाता है ना, तो उसे ला के मुझे आयरन भी करना पड़ेगा, वो सब चीज़ अच्छे से पैकिंग करना पड़ेगा। संडे आ रहे हैं, अभी जा रहे, आज 3 बजे निकल रहे हैं, 2-3 दिन पहले ये डिसाइड हुआ था। अभी आ रहे हैं ऑफिस से तो अचानक से मुझे फ़ोन किया और बोल रहे हैं कि तुम तैयार होकर रहो, हम कहीं निकलेंगे। मैंने बोला कि इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे, डिनर विनर बनाना हो चुका है तो ऑब्वियसली हम डिनर करने तो बाहर नहीं जाएंगे, तो बोल रहे हैं कि ठीक है तुम तैयार होकर रहो ना, तो पता नहीं क्यों मतलब सरप्राइज अच्छा लगता है, पर कहाँ जाएंगे तो पता नहीं क्या लेने जाने वाले है, खुद के लिए कुछ, पर मिथुन अपने लिए कभी भी कुछ खुद के मर्जी से तो नहीं लेते, पता नहीं, तो अभी तैयार होने जा रही हूँ।
खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैं काजल लग रही थी जब लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि कॉफी पिलाने ले आएंगे। ऐसे बोल के, ऐसे फोन में बोल रहे थे कि चलो ना, अरे मेरे ऊपर भरोसा है ना, चलो ना, तुम तैयार होके रहो ना। मैं कितनी अच्छे से तैयार हुई, यहाँ तक कि मैंने अपने आई लैशेस को भी नहीं छोड़ा, वो भी कर्ट कर लिया। मैंने सोचा कि कहीं पे जा रही है या क्या, न्यूज़ सुनाने वाले हैं, चलो कहीं दूर चलते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच लिया है। जो होता है कि सरप्राइज आपको कोई अगर किसी ना बोले तो उस टाइम में एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ जाता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सीसीटीवी पे ले आए वो भी पड़ोसी वाले। वादा कल तुमने फोन में क्या बोला था मुझे? चलो तैयार होके रहो, अरे चलो ना, ठीक है तैयार होके रहो, अरे जितना भी लेट हो हम बाहर निकलेंगे। तो मैंने कितनी अच्छी तरह से तैयार भी हो गई, पता है ये मेरे व्यूअर्स को पूछो कितनी अच्छी तरह से मैं तैयार होती हूँ। हमारा जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी की अगर एकदम टॉप में अगर हम जाए तो ये सीसीटीवी दिखाई देता है यहाँ पे लेके आए। बाहर आने के लिए बोला था, मैं थोड़ी ना बोला था मैं लंदन लेके जाऊंगा। तो उस टाइम ही बोलना चाहिए था कि हम सीसीटीवी में जा रहे थे, एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन जो है वो कम होता। मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ, इतना पॉजिटिव सोचती हूँ कि मेरे साथ हमेशा ऐसे हादसा हो जाते हैं। और जो तो सोचा था ना कि इनको कहीं अच्छा कोई सरप्राइज देंगे, कोई अच्छे कहीं पे ले जाएंगे, जबकि नहीं बोला कि कहा जा रहा है, अरे चलो ना, अरे तैयार हो जाओ ना, अच्छे से तैयार होना। तो पॉजिटिव सोचा था तभी तो मैंने कुछ अच्छा सोचा था, नहीं चॉकलेट और भी बनाने। तो आखिर हमारा सरप्राइज डेट खत्म हुआ, अभी हम जा रहे हैं घर। आए हैं हम पेट्रोल पंप पे और फ्यूल भरवाने। क्या यही था तुम्हारा इंटेंशन? देखिए कितना घुमा रहा हूँ, कॉफी पिलाने लेके गया, पेट्रोल पंप लेके आया। सारे पेट्रोल पंप बंद थे और इसलिए मुझे बैंगलोर घुमा के ले आए। अगर मन में यही था तो पहले बोलना चाहिए था, ऑफिस से जब निकले था उस टाइम में पेट्रोल भरवाना चाहिए था ना। 10 बजे मैं आया, अभी कितना टाइम है देखिए, 11:25। 10 बजे से 11:25, डेढ़ घंटा होने को आया। डेढ़ घंटा मैं घूम रही हूँ, अभी भी बोल रही है नहीं घुमाया कोई। सीरियसली मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो मान रही हूँ कि मैं घूमती रही और अभी मुझे चक्कर आ रहा है इतना घूम। बीवी को सेटिस्फाई करना मतलब दुनिया में सबसे इजी चीज है, सबसे इजी चीज है। एक कप कॉफी पिलाओ तो बस बीवी खुश। कॉफी तो पिलाया, खुश नहीं हुआ तो खुश हूँ तो। और क्या, या अभी नाचने कूदने लगू? कंप्लेन किया ना गाड़ी से निकल के, अभी नाचने कंप्लेन कर रही थी क्योंकि इनको पता है कि मैं किस तरह से रेडी हुई हूँ। एकदम 8:30 बजे मैं रेडी हो गई। मैंने आपको 8:30 बजे रेडी होने को बोला था, मैंने बोला आपको कि मैं 10 बजे आऊंगा घर, 10 बजे ही आया, 10:05 को आया। मैं तो जब भी ऑफिस टूर में बाहर जाते हैं, ये तो ऑफिस टूर नहीं है पर ऑफिस टीम के साथ जा रहे हैं, थोड़ा सा हॉलीडे टाइप से बोल सकते हैं, हर बार मिठुन का मतलब 11 साल से मैं देख रही हूँ, हर बार वो एक ही चीज। ये चीज मुझे सीरियसली बहुत मतलब गिल्टी फील करवाता है कि मैंने तुम्हें शादी करने में गलती की, यार तुम लोगों को ऐसे छोड़ के जा रहा हूँ, तुम लोगों को लेके जाना चाहिए था नई फैमिली होने के बाद, बीवी बच्चे को छोड़ के, मतलब इस तरह के ऐसे बात करते जैसे कि कोई फैमिली मैन कभी मतलब अपना लाइफ को मतलब हमेशा फैमिली के अंदर ही रखना चाहिए, उसके बाहर उनका कोई लाइफ नहीं हो सकता। खराब किस बात की लगना, तो हमेशा हम एक साथ। आप मेरे को छोड़ के जाते हो? अरे मेरे तो ऐसा कोई फ्रेंड्स नहीं है कि जिनके साथ मैं बाहर जाऊँ घूमने, पर ऑफिस टूर के लिए तो जाना पड़ता है, इसके लिए वो करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस ट्रिप में कभी कभी कलीग्स के साथ, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ, मतलब कॉलेज टाइम के बाद मिथुन कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं गए। 19 ईयर्स के बाद वो मुझे पहले से बोल रहे थे, जब 19 ईयर्स के बाद तुम जा रहे हो तो इस ट्रिप को भी एंजॉय करो,
हर टाइम फैमिली के बारे में सोचना ये ठीक नहीं है, तो तुम वहां पे भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। और या यू नो आदमी के जिंदगी के सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? मम्मी पापा होता है जब वो लोग बच्चा रहता है, उसके बाद वाइफ। अभी से तुम वाइफ बोलने वाले हो, तुम्हारी बात से मुझे एक चुटकी याद आ गई। चुटकी नहीं, वो व्हाट्सएप एक जोक था। हस्बैंड बाहर जा रहे दोस्तों के साथ ड्रिंक करने, तो वाइफ बोल रहे जब ड्रिंक करना ही है तो घर में बैठे मेरे साथ करो ना ड्रिंक। नहीं तुम्हारे साथ मतलब बीवी के साथ वो मजा नहीं आता जो दोस्तों के साथ होता है। क्यों, किस बात का मजा नहीं आता बीवी के साथ? नहीं वो दोस्त मिलके एक साथ दारू पियेंगे, थोड़ा गाली गलौज करेंगे और क्या। तो बीवी ने इतने जोरों से दो गाली दी जो कि मैं तो बोल भी नहीं सकती। फिर बोले अब आएगा ना मजा, इसे दारू बना। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अंडे रोटी मैं तो रोटी लेने गए थे बाहर, जब भी घर में मैं बना सकती थी उसके बाद भी रोटी लेने गए एक रेस्टोरेंट पे जो कि सीसीडी के बिल्कुल बगल में है। वहां पे जाके हाँ मैं लेकर आऊंगा, चलो गर्मा गर्म अच्छे से तंदूर रोटी खाएंगे आज। ठीक है चलो लेके आओ। लेने गए दरवाजे के सामने जाके देख रहे हैं कि डिटर्जेंट से क्लीन कर रहे हैं रेस्टोरेंट। और एक स्टेप भी आगे बढ़ रहा था, एक झाड़ू तुम्हारे हाथ में पटा देगा, इतना आपको एक अगर एक्स्ट्रा मिल जाता है लेबर तो क्या बात है। फिर घर में आके फिर मुझे रोटी बनाना पड़ा। अभी टाइम हुआ है तो जाने वाले थे 3 बजे, पर सब फोन करके बोल रहे हैं कि सब जब रेडी है तो सब पैकिंग वैकिंग जब हो चुका है तो अभी क्यों ना निकल जाए, तो अभी सब जा रहे हैं। ठीक है, किरण क्या अपने व्यूअर्स लोगों को ये बता दो कि वर्क फ्रॉम गोवा करने जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम गोवा की भी छुट्टी नहीं मिला। छुट्टी नहीं मिला तो वर्क फ्रॉम गोवा। मतलब मिथुन ये जो जा रहे हैं, मतलब वो मस्ती करने बिल्कुल भी नहीं जा रहे, वो काम करने जा रहे हैं। जो जितना भी मस्ती करे, पर मिथुन जा रहे हैं सिर्फ उसे काम करने। কম ঘুমোয় ঠিক আছে, যারা তোমার কারে যাচ্ছে তাদের মধ্যে কম যে ঘুমোয় তাকে তোমার ফ্রন্ট সিটে বসাবে। তোমার ফ্রন্ট সিটে মিন্স তোমার পাশে বসাবে। আর ড্রাইভিং এর সময় মিউজিক জোরে চালাবে, মাইন্ড কোনো ভাবে ডাইভার্ট হলে চলবে। मिथुन तो निकल गए,
और कल सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। कितने बजे पहुंचेंगे ये भी पता नहीं, मतलब 10 साढ़े 10, 10 साढ़े 10 बजे शायद पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला है पूरी मतलब होल नाइट जब ड्राइविंग करना है तो थोड़ा सा स्लो चलाना। तो चलिए अभी मैं भी इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, अभी कभी टाइम ही हो चुका है, मोबाइल वहाँ पे चार्ज पे है तो मुझे लगता है अभी 2 तो बज ही गए होंगे। तब कितना टाइम हुआ था, 1:51 था तब, अब तो 2:20 या 2:15, 2:20 तो हुआ ही है। तो अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और मैं भी थोड़ा सा सो लेती हूँ, तो आपसे फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम।